वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हम समझें तो जैसे कोई भी अपने पास मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट का जैसे कि कोई भी पार्ट है, इस स्टेम से हम देखें तो इसके नोड से नीचे की तरफ रूट निकल जाना और ऊपर की तरफ स्टेम आ जाना, ये बात करें कहीं ना कहीं ये अपने प्लांट को बढ़ने को दिखा रहा है। क्लियर है क्या? हम देखें तो यहाँ का कुछ प्लांट्स की बात करें, स्टेम एरियल होते हैं या फिर सब एरियल, मीनिंग जैसे कोई भी प्लांट्स है उसका यदि हम स्टेम की बात करें सब एरियल होना चाहिए, सब एरियल का मीनिंग हम देखें तो सब एरियल उसका कुछ पार्ट हवा में होना चाहिए और कुछ पार्ट ग्राउंड पे होना चाहिए। वैसे स्टेम जो हो जाते हैं ये बात करें दे आर क्रीपिंग स्टेम्स, मतलब कि लतरने वाला स्टेम होना चाहिए। क्लियर है क्या? जैसे कि बात करें इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, यानी क्रीपिंग स्टेम की बात करें ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, और बात करें इसको हम चार टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए रनर, स्टॉलन, सकर और ऑफसेट, ये कोई चार प्रकार है जिससे हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जैसे कोई अपना ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड पे जैसे हम देखें ये साइनोडॉन, जैसे दूब घास की बात करें ग्राउंड पे जैसे दूब घास लतरता रहता है उस तरह से देखिए लतरता गया, इस तरह से आगे बढ़ते गए और जहाँ उसको नोड मिला उस नोड से नीचे की तरफ रूट डेवलप हो गया और ऊपर की तरफ स्टेम निकल गया है। तो देखिए इस टाइप की बात करें तो ये रन कर रहा है, दौड़ रहा है, इसलिए हम इसका नाम क्या डालें, रनर। जैसे कि बात करें रूट डेवलप एट लोअर साइड एंड लीफ अप एट अपर साइड फ्रॉम नोड, तो यहाँ पे हम देखें रूट जो होता है डेवलप होता है नोड के लोअर साइड से और स्टेम जो होते हैं डेवलप होते हैं नोड के अपर साइड से। क्लियर है क्या? यहाँ पे एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स, तो आपसे पूछेगा रनर टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें मिल रहा है, याद करेंगे साइनोडॉन जिसका हिंदी नाम होता है दूब घास और एक ऑक्जेलिस। इसके बाद चलिए दूसरे की बात करें, दूसरा जो है अपना स्टॉलन टाइप है, स्टॉलन की बात करें इसमें जो एरियल के बाद सब एरियल जो स्टेम होते हैं इसके नीचे वाले नोड से, ये देखिए इसका नीचे वाला नोड हुआ, इसके नीचे वाले नोड से एक आर्च एराइज होते हैं, एक आर्च निकलते हैं और यही आर्च अपने स्वाइल के साथ अटैच कर जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं स्वाइल के साथ ये सटेगा और स्वाइल के साथ ये सट के जहाँ से ये नोड सटा है स्वाइल में वो नीचे की तरफ तो रूट निकाल लेंगे और ऊपर की तरफ स्टेम निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ से सबसे बहुत बड़ी चीज रहा यहाँ पे हमें स्टॉलन टाइप में हमको क्या दिखना चाहिए, हम स्टॉलन टाइप में बात करें तो यहाँ हमें आर्च दिखना चाहिए, यानी जब तक आर्च नहीं दिखेगा तब तक हम स्टॉलन टाइप नहीं कह सकते। इसके आगे चलिए तीसरे की बात करें शकर, तो शकर में देखिए यहाँ का जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कुछ सब एरियल अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं ये हम देखें यहाँ से एराइज हो गया, ये आगे तरफ एराइज हो गया और आगे की तरफ एराइज करके ये वापस कट क्या कर लिए, यहाँ के नोड से बात करें तो यहाँ पे जितने भी नोड्स होंगे वहाँ से रूट निकल जाएंगे और ऊपर की तरफ स्टेम निकल जाते हैं। इस टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं हम शकर। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्राइसेंथम, पाइनएप्पल, बनाना एंड मिंट। हम आगे चले ऑफसेट, ऑफसेट की बात करें ऑफसेट आपको मिलेंगे मेनली एक्वेटिक प्लांट में, इट मीन्स वो प्लांट जो पानी में मिलेंगे उनके अंदर आपको मिला जा सकता है। जैसे कि बात करें यहाँ से उसके नोड की बात करें रोस्टेल हो जाते हैं, थोड़ा चौड़े हो जाते हैं और वहां से लीफ निकल जाते हैं और नीचे की तरफ रूट निकल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज तो चलिए समझना तो हम समझ लेते हैं, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मॉर्फोलॉजी अपना जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें इसका एग्जाम्पल याद रखना। तो एग्जाम्पल याद रखने के लिए अपने पास ट्रिक है, उस ट्रिक्स की बात करें सबसे पहले हम ऐसे ध्यान रखेंगे एक चोर है दौड़ता हुआ आया, किसी घर में चोरी किया, दूसरे घर में पहुंचा तो उसे जूस मिला पी करके, जब कुछ आदमी देख लिए तो क्या हुआ उसका दिमाग अपसेट हुआ और पानी में कूद गया। चलिए ये नहीं याद हो सकता। तो ऐसे साइनोडॉन रनर की बात करें, साइनोडॉन एस्टोलन की बात करें, एस्टोलन आपको मिल जाएगा जासमिन और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी में प्रिंट मिसप्रिंट है थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हमें सही याद रखना है। तो रनर की बात करें तो साइनोडॉन और ऑक्जेलिस में मिलेंगे, एस्टोलन की बात करें तो जासमिन, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और फ्रेंकिया। इसके बाद चलें शकर, तो देखिए शकर का मतलब होता है चूसना, तो जैसे हम याद किए हैं एक पापा है वो उनका जो बेटा था रो रहा था, तो पापा ने पूछे बेटा क्या पियोगे, तो
बेटा बोला पापा हम पाइनएप्पल का जूस पियेंगे। फिर बेटा बोला अच्छा नहीं लगा, तो कह लो बेटा थोड़ा मिंट मिला लो। फिर अच्छा नहीं लगा तो बनाना से हम याद करेंगे। बच्चा रोया तो क्राइसेंथम, पापा पूछे क्या पियोगे तो पाइनएप्पल का जूस। पापा अच्छा नहीं लगा तो बनाना से मिला लो बेटा थोड़ा मिंट मिला लो। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और बात करें ऑप्सेट की, बात करें तो पिस्टिया एंड आईकॉर्निया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।